कि किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी बुद्धिजीवी वर्ग होता है। तो जब तक बुद्धिजीवी वर्ग सोया रहता है, अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करता है, तब तक समाज की चोरी होती है, समाज का नुकसान। आज इस मंच के माध्यम से मुझे अवसर मिला है कि समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, वो ज्यादातर के समाज के अधिकारों के लिए आगे आया है, निश्चित रूप में इन्हें सफलता मिलेगी, मेरा ऐसा इनका आशीर्वाद है। दोस्तों, समय समय में परिवर्तन होता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में संविधान के माध्यम से हमारा समाज की नीतियां उन्होंने कहा था कि शायद आने वाले 50 सालों के बाद जो आपको मिला है छीन सकता है, इसके लिए अपनी कमाई का 5% बचा के रखना और समाज को जागृत करने में, समाज को भागे लड़ने में उसका उपयोग करना। आज वो समय आपके साथ आ गया है कि जो लोग आज संपन्न हैं, जो लोग सामाजिक चेतना रखते हैं, जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, वो उस 5% जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी कमाई के लिए कहा था उसे खर्च करके का वक्त आज आ गया है। मानवर काशीराम साहब ने जो लक्ष्य दिया बाबा साहब के अनुसार, उन्होंने सबसे पहले कहा कि देश का हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, इसकी जानकारी समाज को देनी आवश्यक है। 6,743 जाति अनुसूचित जाति की, 3,642 जातियां बैकवर्ड लोगों की, और बहुत ज्यादा जातियां मौन समाज में नहीं मिली उनकी भी, ये परिवार है हमारे लोगों का, इनको जोड़ के चलने की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा जो आपका दुश्मन है, आज हमारे समाज के लोगों को अपने लोगों को बता करके ये मूवमेंट को खड़े करने की जरूरत है। ये बहुजन संकल्प दिवस जो आज मना रहे हैं, ये उस पर आधार करता है कि आपके दोस्त को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। दूसरा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जिस महिलाओं को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू कोड बिल के माध्यम से अधिकार देना चाहते थे, वो भारत की सरकार नहीं दे पाई और वो रुझान दे के पार्लियामेंट से बाहर हुए। काशीराम साहब ने कहा कि इस देश की 50% पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन लिखी पढ़ी भी है, अनपढ़ भी है, समझाना आसान नहीं है। अभी दो बात वो साहब ने यहां रखी, सारी महिला चली गई क्योंकि उनके अपने बारे में जानकार नहीं है। वो कहां है, ढोल गमाद शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी मैंने नहीं देखा, ये तुलसीदास ने लिखा है जिसको लोग मानती हैं। तुम्हें अपने बारे में जानकार नहीं है, इसलिए बहुजन समाज अपने ज्ञान पे नहीं, बहुजन समाज के अज्ञानते पे टिका हुआ समाज है। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुजन समाज की जो अज्ञानता है उसे आपको दूर करना पड़ेगा। धार्मिक व्यवस्था के बारे में काशीराम साहब ने कहा कि जो भगवान भांग पीता हो, नशेड़ी हो, पर्वत पे पड़ा हो, कपड़े पहने की तमीज ना हो, नंगा हो, उसे आपने भगवान मान लिया, क्या वो समस्या का समाधान कर सकता है? लेकिन भारत के लोगों के पास उसके अलावा कोई साधन ही नहीं है। तो यह ज्ञानता समाज के लोगों को बतानी पड़ेगी कि जो व्यक्ति यदि आज कोई दारू पी के नाली में गिर जाए तो 10 लोग गाड़े देते सारे दारू पी रखा है, पर वो 24 घंटे पिए पड़ा है, फिर भी हम उसको अपना देवता मान के आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी व्यवस्था को उतारने का समय आ गया है, काशीर साहब से अपने वक्त में कहा। दूसरा, उन्होंने कहा समय का ध्यान रखना, हम प्रताप जी समय का ध्यान रखना, यदि मीटिंग का टाइम 10 बजे का है तो 10:30 तक पहुंचना है, नहीं दरवाजे बंद रहते थे, दरवाजा नहीं खुलता था, चाहे कोई बड़ा आदमी बाहर खड़ा हो, वो मीटिंग के अंदर कभी नहीं आया, वो बाहर चला गया, दोबारा समय पे आया। इसलिए हमारे समाज के लोगों को एक बहुत बड़ी चिंता नहीं है समय की, आज समय आपके हाथ से निकल रहा है,
आज इस समय को जाति से जाति उपभोग करने की जरूरत है, लेकिन हमारा व्यक्ति हमारा समाज घंटे दो घंटे तो मान के ही चलता है, अभी तो लोग आए ही नहीं होंगे। जब मैं खुद मान के चलो तो दूसरे मान के चलो तो लोग आएंगे कहाँ से? ये तो वही बात होगी कि जिस कढ़ाई को दूध से भरना था तो पानी से भर दिया, दूध नहीं मिला। इसलिए आज हमारे बुद्धिजीवी वर्ग को समाज को नेताओं को इस बात की स्पष्ट तौर पर जरूरत है कि उस समय का सहयोग समय से करें। आपके पास आप 100 लोग बताए 50 है तो 50 ही काम करें, 100 रुपए ना करें ताकि उन्हें सबक मिले कि समय का सदुपयोग क्या है। आज 70 साल निकलेंगे देश को याद हुए, मैंने वक्ताओं ने बात की है, हर क्षेत्र को छोड़ने का प्रयास किया है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, हर विषय को छोड़ने का प्रयास किया है। ऐसी उनकी चिंता नहीं है, लेकिन उनकी चिंता है कि जो समय भी हमारे साथ होना चाहिए तो नहीं। आज अगर हमारे समाज के लोग का बैकलॉग है, नौकरियां पूरी नहीं है, तो उसको कोई व्यक्ति आंदोलन करने को तैयार नहीं है, अपने अधिकारों को लेने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे आपके बीच में है जिन्हें आप आगे लेके चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें अपने दोस्त दूसरों के साथ लेकर चलना है और उनको एक बड़ा परिवार बनाकर थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आज आपके सामने सुलझे व्यक्ति लोग हैं, मानव काशी राम साहब को कहीं भी खाना भी नहीं मिला। अभी मैं एक मीटिंग में की बात कर रहा था, उनके डॉक्टर सोल्टर हैं हरविंदर सिंह, मैंने कहा भी काशी राम साहब तो रात दिन चलते थे, पैदल ही चलते नहीं है साइकिल, तो बोला मैं समझता मेरे पास साइकिल भी है, एसी भी है, गाड़ी भी है, मैं काशी राम साहब से नहीं दौड़ूंगा। लेकिन दौड़ नहीं पा रहा है, वो दौड़ नहीं पा रहा है, वो मैंने दो महीने मीटिंग करके खुश हो रहा है कि मैं काशी राम साहब का काम कर रहा हूँ। तो ऐसी व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने शिरकत किया है भारत प्रसाद जी, और धन्यवाद जिन्होंने अपने प्रयास से अधिक प्रयास से अच्छे लोग जिन्होंने प्रयास किया है। जय हिंद, जय भारत।